हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिकर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और रिकर्शन में आपको पता ही होगा कि रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने आप को कई बार कॉल करता है जब तक कि एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक कि बेस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो हमारे पास बेस कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकर्शन में। मान लीजिए कि हम फैक्टोरियल एन फाइंड कर रहे हैं, और फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल फाइव फाइंड कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल फाइव का एक डेफिनेशन होता है कि हम कहते हैं कि फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर। फोर को हम फैक्टोरियल थ्री के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और थ्री फैक्टोरियल को हम टू के फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, टू के फैक्टोरियल को हम वन के फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और वन के फैक्टोरियल को हम जीरो के फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड जीरो हम पॉसिबल नहीं होगा नीचे जा पाना। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी, और हम कहेंगे कि जब भी फैक्टोरियल जीरो आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो होगा वन। तो अगर हम फैक्टोरियल एन की डेफिनेशन लिखें, सो दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, अगर एन इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर एन इक्वल टू जीरो है तो उस केस में आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू वन है। तो अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, फोर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू रिटर्न होगी, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन रिटर्न होगी कॉलिंग फंक्शन की। तो कॉलिंग फंक्शन मेरा ये वाला है, इसको वन वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फिर वन इंटू वन, वन फैक्टोरियल वन की वैल्यू होगी जो कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। फिर टू इंटू वन, टू वैल्यू फैक्टोरियल टू जो कॉलिंग फंक्शन है उसको रिटर्न होगा। फिर थ्री इंटू टू, सिक्स वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न होगा फैक्टोरियल थ्री वाले। फिर फोर इंटू सिक्स मतलब कि 24 रिटर्न होगा कॉलिंग फंक्शन को फैक्टोरियल फोर को। एंड देन फोर फाइव इंटू 24, 120 कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न होगा, मतलब कि जिसने भी फैक्टोरियल फाइव की कॉल की थी। नाउ अगर हम इस तरह से रिटर्न कर रहे हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में आपने रिकर्सिव कॉल्स किए थे उसके ठीक अपोजिट ऑर्डर में हमारे रिटर्न स्टेटमेंट्स इनकाउंटर हो रहे हैं। तो पहला कॉल मेरा फैक्टोरियल फाइव का था, दूसरा फैक्टोरियल फोर का, फिर तीसरा फैक्टोरियल थ्री का, नेक्स्ट फैक्टोरियल टू का, नेक्स्ट फैक्टोरियल फाइव का, सॉरी फैक्टोरियल वन का, एंड देन लास्ट में फैक्टोरियल जीरो की कॉल होती है। तो सबसे पहले रिटर्न फैक्टोरियल जीरो का हुआ, फिर उसके बाद फैक्टोरियल वन का रिटर्न हुआ, फिर फैक्टोरियल टू का रिटर्न हुआ, फिर फैक्टोरियल थ्री का रिटर्न हुआ, देन फैक्टोरियल फोर का रिटर्न हुआ, एंड फाइनली फैक्टोरियल वन का रिटर्न हुआ। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अपोजिट ऑर्डर में रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के लिए। पहला तो जिस टर्म का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है उस टर्म से छोटे टर्म के फॉर्म में हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा और एक बेस कंडीशन डिफाइन किया। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। एक छोटा सा कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र से एक इनपुट करा लेते हैं, एक नंबर लेट से एन, जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसके बाद मान लेते हैं कि फाइव फाइबोनैकी नाम से सॉरी फैक्टोरियल नाम से हमारा एक फंक्शन है फैक्ट, और उसमें हम एन को पास कर देते हैं, और ये फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम एक्स वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इस एक्स को प्रिंट कर देंगे। फंक्शन लिखते हैं इसका, ये रिकर्सिव फंक्शन, ये हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा ये फंक्शन, सॉरी मेन नहीं मतलब कि फैक्टोरियल फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक इंटीजर नंबर पास हुआ है, और हम सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं कि अगर एन इक्वल्स टू जीरो है तो रिटर्न वन कर दें, अदरवाइज हम रिटर्न कर दें एन इंटू इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फैक्टोरियल एन माइनस वन।
फाइन, तो आई होप ये फंक्शन सही चलना चाहिए। एक टेस्ट कर लेते हैं एक इनपुट के लिए इसको। जैसे हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी 120। एक और नंबर के लिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। और ये आप 7 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी 5040। सो इट इज वर्किंग फाइन। फ्यूचर के लेक्चर्स में हम और भी कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे रिकर्शन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।